करना ये तो अलग प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग अभी ऐसे जो मगरी बंगाल में जुड़े हुए हैं जो उर्दू की बका के लिए काम कर रहे हैं, उनमें से एक हमारा ये सूफी जेबी रफत की सोसाइटी है जिसके सरप्रस्त फई मक्ता साहब जो लंदन में बैठे हैं। देखिए कितनी अजीब मोहब्बत है कि एक शख्स लंदन में बैठ करके उर्दू जबान की फरोग के लिए काम कर रहा है और उसने हिंदुस्तान में कलकत्ता जलदूजा उनका आबाई वतन है वहाँ पर कुछ लोगों को चुना है और चुन करके एक प्लेटफॉर्म तैयार कर करके महीने में साल में जिस तरह हो सके वो एक मुशायरे के जरिया हो, एक अवार्ड सेरेमनी के जरिया हो, वो उर्दू की बका के लिए काम करें। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इलाके में जो नए नस्ल के नौजवान पैदा हो रहे हैं उनको सामने लाना और आवाम के सामने रखना और उर्दू जबान को फरोग देना, ये उनका एक नहायती काबिले कदर अकदाम। अब रही बात बंगला को उर्दू के शाने बशाने रखना, देखिए जुबान कभी कॉम्पेयर नहीं है, हमारा कितना रोल है उर्दू जुबान का, हम इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम मगरिब बंगाल की हुकूमत ने उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया, कॉर्पोरेशन में उर्दू ट्रांसमीटर को रखा, लेकिन हम में से इसका जिम्मेदार हम लोग हैं। हम लोगों ने कभी अपने कंप्लेन में उर्दू जुबान को इस्तेमाल नहीं किया, हमने कभी उर्दू मिलिटर हुकूमत को नहीं दिया, हमने बंगला में दिया, हमने इंग्लिश में दिया। हमें ये महसूस होता है कि हम लोग उर्दू में लिखेंगे तो क्या महसूस होता जी, ये छोटा समझना अपने आप, अपनी जुबान को छोटा समझना। किसी ने क्या खूब कहा कि अगर किसी कौम को खत्म करनी हो तो उर्दू जुबान खत्म कर देना जरूरी है, तो लिहाजा आज जो उर्दू जुबान प्रॉब्लम आई है या मुसीबतें जो आई है इसके जिम्मेदार गैर नहीं बल्कि हम खुद हैं। हम उर्दू को अपनी जुबान में लाते हैं, हम बोलने से कतराते हैं, हमें यह महसूस होता है कि हम उर्दू जुबान में तो अगला क्या समझें। हमें तमाम चीज़ों को छोड़ कर हम उर्दू जुबान के लिए काम करना होगा, हमें एप्लीकेशन लिखनी होगी, हमें हर जगह पर जो कोई चीज़ हमें जरूरत है उर्दू जुबान जो सरकार से हमें अपने अपना कुछ डिमांड करना है या कुछ बोलना है या कंप्लेन करना है तो हमें उर्दू जुबान का सहारा लेना होगा। शुरुआती दौर पर हम लोग वार्ड पंचायत में लोग काम कर रहे हैं और वहाँ से राज्य से हम लोग इलाकई तौर पर जहाँ पर उर्दू वाले हैं वहाँ पर उर्दू पर हम लोग काम करें उसकी शुरुआत किया है। तमाम उस इलाके में जहाँ उर्दू की कमी तरफीज है, जहाँ बहुत सलाहियत लोग लिख पढ़ रहे हैं, उनसे हम लोग करीब हों, उनकी सलाहियत को जानें और जहन साजी करते हुए
माहौल साजिश करते हुए उन्हें वो प्लेटफॉर्म मुहैया करें जहाँ उनकी सलाहियत और निखर कर सामने आए और तो ये सिर्फ आज मध्य प्रदेश से आपने शुरू किया, ये इलाकाई तौर पर ये हमारी सिलसिले की पहली कड़ी है और इसके बाद हम इंशाअल्लाह दिगर इलाकों में भी जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ जितने भी उर्दू नवाज अदब दोस्त और शोरा उत्पा है उनसे करीब और उनको जाने। बंगाल में जो ऐसे अभी रिसेंटली कहा गया कि डब्ल्यू बी सी एस के एग्जाम के लेकर एक तनाजा खड़ा हो गया है कि भाई उर्दू के पेपर जो है वहाँ पे नहीं होगा, बंगला कंपल्सरी कर दिया गया है, उनको एक मामला बचाया जा रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे उर्दू का जो उर्दू की जो उर्दू का जो समाज है उसको गौर करना चाहिए, ऐसे हालात में इंफरादी तौर पर नहीं बल्कि इज्तमाही तौर पर मिल बैठ के एक ऐसा मजबूत लाया अमल तैयार करें जहाँ पे हम उर्दू के फरोग के लिए जेन्युइनली काम करते हैं, वाकई उर्दू को फरोग दे पाए। इसके लिए यहाँ पे जितने भी जिम्मेदार हैं जैसे अकेडमी है, जैसे लाइब्रेरी है, जैसे स्कूल है, सब लोग सबके बारे में मशवरे से ऐसे लाया मतलब तैयार किया गया है जो अमली सतह पे काम करने के लायक, जो अमली तौर पे जो हम लोग उदय कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो फिर ख्वाब देखने से क्या फायदा। अमली तौर पे जब तक हम किसी भी लाए अमल को तकमीलियत तक नहीं पहुंचाएंगे हमारा मकसद कामयाब नहीं। परवेज अख्तर में इदारे का सेक्रेटरी और इसी कोशिश में लगा हुआ कि उर्दू के हवाले से जहाँ तक बन सकता है हम लोग कोशिश करें। खतरा खतरा दरिया बनता है तो ये सफर है, उम्मीद करते हैं कि इस सफर का एक खूबसूरत इख्तिताम होगा, खूबसूरत सूरत बन कर स्टेशनरी सोसाइटी के बानी फहीम अख्तर साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी दिनों से ये प्रोग्राम और इस अदारे के जरिए मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम अदबी प्रोग्राम करवाते रहते हैं, मुबारकबादी के काबिल हैं और एक शाम मटिया बुरुज के नाम इसे आज उन्होंने करवाया है जिसमें बहुत सारे शायर यहाँ मौजूद हैं और आए थे और एक जबरदस्त शाम हम लोगों ने मनाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से फहीम अख्तर साहब हर इलाके में प्रोग्राम करवाएंगे और हम लोग इंशाल्लाह हम हैं शकील भाई हैं कमतर अजीम आबादी साहब हैं और